आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ मॉल में डिक्स स्पोर्टिंग गुड्स। ये अमेरिका का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग गुड्स का शॉप है जो मेरे पीछे दिख रहा है, और बहुत महंगा भी है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ डिक्स स्पोर्टिंग गुड्स। चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या है डिक्स स्पोर्टिंग गुड्स के अंदर। बहुत महंगा होता है शॉप, पर सब कुछ मिल जाता है इधर। ये देखिए यहाँ पे है ये स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स, वहाँ पे कूलर्स रखे हुए हैं। एंड आगे चलेंगे अभी हम लोग, यहाँ देखिए मतलब सब कुछ मिलता है। कुछ भी चाहिए आपको स्पोर्टिंग की चीज़ें आपको मिल जाएगी, पहले स्विमिंग कॉस्ट्यूम हो, बाइकिंग के गियर्स हो, बाइकिंग के क्लोथ्स हो, जिम के क्लोथ्स हो, सब मिल जाएंगे। ये देखिए मुझे ये कयाक दिख रही है, लेट्स चेक आउट कयाक कितने की मिलती है। ये पका एक तो नहीं है, इट्स नॉट अ फोल्डिंग कयाक। $250, वेल नॉट सो बैड। हाँ मुझे लगा था कयाक बहुत महंगी आती है, वो वाली काफ़ी महंगी थी। और ये नीचे का सेक्शन दिख रहा है एस्केलेटर से जाके, ओह इतना तो पूरा देखने को टाइम मिलेगा नहीं आज, बट इतना बड़ा ये स्टोर है आपको दिख रहा है, बहुत ही बड़ा स्टोर है ये। ये है नॉर्थ फेस, नॉर्थ फेस यहाँ पे बहुत ही फेमस ब्रांड है स्पोर्टिंग गुड्स के लिए। एंड इसमें नॉर्थ फेस के कपड़े बहुत ही महंगे होते हैं। और ये देखिए यहाँ पर है स्विमिंग के सारे गियर्स, स्विमिंग गॉगल्स, लाइफ जैकेट्स, बोटिंग करने जाना है या कहीं कैकिंग करने जाना है तो ये लाइफ जैकेट। और ये है टेंट, ये है मल्टीपर्पज़ टेंट, मतलब बीच के लिए नॉर्मली ये यूज़ होता है। और बेस्ट पार्ट इसका ये है कि ये अम्ब्रेला जैसा खुलता है और अम्ब्रेला जैसे बंद होता है, तो वेरी क्विक सेटअप। और हाउ फास्ट कैन यू डू इट एंड क्या रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस क्या है इसका, विंड के देख हम लोग इवैल्यूएट कर रहे हैं कि बीच के लिए ले सकते हैं कि नहीं। बच्चों को तो बहुत ही पसंद आ गया, बैठ के सेटल हो गए उसमें, और उन्होंने चेयर्स भी अच्छे से लगा के रखी है, बच्चों की टेबल लगा है। ये है उसका बॉक्स, देखते हैं हम लोगों को पहले रिव्यूज़ पढ़ने पड़ेंगे, रिव्यूज़ के बाद मे बी वी कैन पिक अप फ्रॉम द डिक्स स्पोर्टिंग गुड्स और मे बी ऑनलाइन। पर अच्छा लग रहा है ऑप्शन बीच पे जाने के लिए, सो वी विल सी दैट। विंडोज़ वगैरह है उसमें, सो एयर फ्लो हो सकता है। हमने पहले भी बार भी एक बार लिया था पर वो बहुत जल्दी टूट हो गया। वेल क्रिश को तो कहीं जाके स्टोर में बबल गन मिले तो बस हो गया उसको मिल गया उसके टॉय सेक्शन, एंड अभी वो छोड़ेगा नहीं, बबल गन लेके ही जाएगा। But how long are the spikes? It goes into the sand. I don't know because I haven't seen the spikes yet, but I know it does come with spikes. Yeah, we saw in the picture. Yeah, they plug in here. In the black. यहाँ के सेल्स वालों की एक खासियत होती है, उनको प्रोडक्ट के बारे में कुछ पता नहीं होता है पर कॉन्फिडेंस बहुत होता है बात करने के लिए। जो बॉक्स पे चीजें जो हम लोगों को दिख रही है वही हमको बताएंगे और कॉन्फिडेंटली बताएंगे एज इफ उनको सब पता है। आई डोंट नो भी कॉन्फिडेंटली बोलते हैं वो, आपने सुना ही होगा। Can you tell us how to break it down? Please? All your directions should be in there, but I believe these. We got a pile, guys, huh? You just pull that out of here. Oh, you just pull them. Okay. Pull them right out. It's like an umbrella. Yeah, an umbrella. Yeah, a tent, regular tent. You just pull it out of that, and I then I believe bend you it. Operate out of these. Okay. And out of here. Okay. You end up with all these sticks all the way around. You like this tent? Yeah. Okay. We'll see. देखिए यहाँ पे कैप्स है और ये देखिए ट्रैकिंग पैंट्स कितनी मस्त है ना, पत्ते वत्ते लगा के एकदम नॉवेल्टी बनाई है, किसी को समझेगा ही नहीं क्या पहना। यहाँ पे डिजाइन तो बहुत ही मस्त होते हैं एकदम।
और ये देखिए और एक कैनोपी टेंट है यहाँ पर। तो अभी समर में क्या होता है कि लोग बाहर पे ग्रिलिंग, कुकआउट्स, फिर कैंप फायर्स, अभी समर में पूरी जिंदगी जी लेते हैं हम लोग। तो ये सब दिखेगा आपके सबके बैकयार्ड्स में, 4 जुलाई में भी देखेंगे आपको सब जगह बस कुकआउट चालू रहते हैं, टेंट लगाते हैं लोग, एक दूसरे को घर पे बुलाते हैं। तो ये देखिए कैनोपीज बिक रही है, $109 की है ये, पर ये ज़्यादा स्टडी नहीं लग रही है, सो विल नॉट बाय इट। हमारे पास ऑलरेडी एक है एक्चुअली। ये देखिए रेन जैकेट्स, ये भी अच्छे लग रहे हैं। वाओ ये देखिए ये है गोल्फ सेक्शन, कितना अच्छा बढ़िया बना के रखा है। ये देखिए देखिए इधर गोल्फ का पूरा सेक्शन बना के रखा है कि यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं हम लोग। वाओ ये देखिए मेरा चिंटू गोल्फ मास्टर, कम नाउ, गुड जॉब, यू डिड इट। अपना ही दुकान समझ के मस्त एकदम गोल्फ खेल रहा है के, गोल्फ सीख गया खुद ही। और प्रैक्टिस के लिए ना, सो दैट पीपल कैन ट्राई इट आउट। ये 14 फीट वगैरह रहती है ये तो। सी दीज आर इग्लू, सी बैडमिंटन। अभी सब जगह आउटडोर एक्टिविटीज का सामान दिखेगा। ये देखिए ये दिख रहा है, ये फायर बॉल बाहर रखने के लिए फायर पिट, मेटल का फायर पिट है, जहाँ पे विंटर जैसे ही थोड़ा फॉल वगैरह चालू होता है या शाम को थोड़ा चिली होता है तो बैठ के बाहर कैंप फायर कर सकते हैं गेस्ट के साथ। तो ये है $120 का 32 इंच वाइड रिम फायर बॉल, 32 इंच वाइड मेटल का है पूरा, उसके बाजू में उसका सामान भी रखा हुआ है सब। और भी बहुत सारे दिखेंगे अलग अलग चीजें, चलो आगे देखते हैं। ये देखिए ये है ग्रिल बारबेक्यू के लिए, बारबेक्यू और कुकआउट। अभी समर में तो अमेरिकन्स तो बारबेक्यू ही करते हैं, मतलब हमारे बाजू से सब जगह से हमको खाने की खुशबू आती रहती है, यू नो हैम क्या क्या बनाते हैं वो लोग, सब कुछ बारबेक्यू पे बनता है, घर में कोई बनाता ही नहीं है, शाम को बाहर ही बैठ के खाते हो। ये देखिए ये ग्रिलर है, अलग अलग टाइप के आते हैं, चारकोल के आते हैं, कुछ गैस के आते हैं, और ये देखिए इसके साइड में भी कुछ करने के लिए है, तो ऐसे बहुत सारे। ये इधर गैस का भी है, ये देखिए ये पूरा गैस का है, तो एक छोटा सा सिलेंडर आता है वो दुकान से लाओ, सिलेंडर लगाओ और इस पर हम लोग बाहर कुकआउट कर सकते हैं, तो ये गैस का है। अभी कुछ लोग चारकोल प्रेफर करते हैं तो चारकोल का मिलता है, गैस का मिलता है, अलग अलग टाइप के मिलते हैं। ये देखिए ये फोल्डिंग है ग्रिलिंग, तो काफ़ी लोग कैंप साइट्स पर जाते हैं ना तो वो लेके जाते हैं ये सब चीज़ें, तो वो देखो एक स्टैंड है और उसके ऊपर ग्रिलिंग के लिए ऑप्शन है और पीछे सिलेंडर लगा दो, तो ये कैंपिंग के लिए अगर जाना है तो वो टेंट और ये कैंप साइट पर सब लेके जाके एक दो नाइट के लिए समर में लोग बाहर रहते हैं, आउटडोर पूरा टाइम आउटडोर स्पेंड करते हैं। ये बहुत ही फेमस कंपनी है, कोलहान बोलते हैं उसको। ये देखिए क्रिश अपना उठा के फिशिंग का गियर लेके आया, तो यहाँ पे फिशिंग के लिए भी लोग काफी जगह जाके बैठे हैं। ये बच्चों का फिशिंग गियर है और क्रिश ने बराबर ढूंढ के लाया, यहाँ बच्चे बड़े होते ये भी सीख जाते हैं कि यहाँ गियर्स क्या क्या मिलते हैं, देख के उठा दिया उससे कि बच्चों का फिशिंग गियर है। ये एक टेबल जैसा फायर पिट हमको अच्छा लगा, $240 का है, पूरा मेटल का है बट ये रेस्ड है, मतलब चेयर लेके बाजू में बैठो तो ये ऊपर रहेगा, तो ये मुझे अच्छा लगा बट क्वाइट एक्सपेंसिव, विल सी बट वी आर जस्ट चेकिंग आउट। नाइस, यू लाइक दिस? या या वी डू वांट दम।
ओके कम कम आउट नाउ। देखिए आरुष ने अपने लिए ढूंढ लिया अच्छा सा रिलैक्सिंग चेयर। इसको जीरो ग्रेविटी बोलते हैं एक्चुअली। ये देख सुन तो I'm just you want to ride the bike na छोटो ओके राइड ये सामने ये दिख रही है लाइट वेट जॉगर पैंट्स बहुत ही ब्यूटीफुल है बहुत ही लाइट वेट है मुझे बहुत अच्छी लगी। यहाँ पे $60 की एक पैंट है ये और मैंने यही सेम मटेरियल की टारगेट में देखी थी दूसरी कंपनी की विच वॉज $30 तो इसलिए मैंने बोला कि ये सबसे महंगा स्पोर्टिंग गुड्स का शॉप है तो मुझे आपको दिखाना था डिक स्पोर्टिंग गुड्स शॉप जो सबसे महंगा अमेरिका का गुड्स स्पोर्टिंग गुड्स शॉप है। कुछ कुछ चीज़ें अच्छी भी मिलती है पर यहाँ पर बट आई होप यू एंजॉयड दिस स्मॉल व्लॉग। अगर एंजॉय किया अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट करिए बताइए कैसे लगा और अगर पहली बार आए हैं मेरे चैनल पर तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए सोनल फ्रॉम USA एंड देखते रहिए मेरा चैनल सोनल फ्रॉम USA। फिर मिलते हैं बाय बाय।